खरगोन जिले की पावन नगरी महेश्वर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती और विजयादशमी के शुभ अवसर पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 83,29,00,000 से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जो क्षेत्र के समग्र विकास को गति देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विधायक व सांसद के आग्रह पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी की। लोक माता देवी अहिल्याबाई का अहिल्या माता लोक बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र मातमुर में बड़े उद्योग लगाकर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाया जाएगा। बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। महेश्वर में सिविल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र में चाहिए युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए, तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नागपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि इसको महानगर के रूप में बनाया जाए। टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकरों के लिए, ये भी मांग आपने कही है, ये हस्तकला और पर्यटन विभाग के माध्यम से ये हमारा अपना बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज भी बनाया जाएगा। रोजगार आवेदन करो, इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं। आपने बहुत सारे बात कही और अहिल्या लोग को नहीं भूले। जब महाकाल का महालोक बना है तो अहिल्या माता को बननी चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। रोजगार आवेदन करो पहले बना करके, और आने वाले समय में यार जब मैं कैबिनेट की बैठक करूंगा कुछ जब उस समय के लिए भी छोड़ दो भाई, मैं आज ही कराऊंगे। अगली बार आना कि नहीं आना है मंसूर में रानी अहिल्या माता के नाम पर योगा पहले बुलाओ तो मैं अगली कैबिनेट हमारी इसी साल के आखिरी के बाद एक कैबिनेट मकर संक्रांति के आसपास हमारी अहिल्या माता के नाम पर महेश्वर में की जाएगी। हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व है ये सरकारी कैलेंडर से नहीं बनते, इनके लिए अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते मंगल तिथियां होती है, इसलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती, वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं, शुभकामना अपने त्योहार पर नहीं मिलती। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले संभाग तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज लगाओ 40,00,000 की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर और 5,00,000 का आगर उसका भी जिला कलेक्टर, 5,00,000 गोसवाला में आया हूँ। गो माता के लिए सभी गौशालाओं में हमने अनुदान की राशि भी डबल की है और कुल मिलाकर के गायों का कुल भी बढ़े, मध्य प्रदेश में गोकुल की स्थापना हो और जैविक उत्पादन की दृष्टि से खास करके खाद और बाकी चीजों के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है, और साथ ही साथ दूध उत्पादन भी डबल करना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देके दूध का उत्पादन डबल कराना, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने इस पे काम किया है। आज दशहरे के पावन अवसर पर मैं अहिल्या माता की नगरी महेश्वर में आया था और आज कई सारे कार्यक्रमों में भाग लिया। मेरी अपनी ओर से दशहरे के पावन पर्व की मंगल कामना बधाई। महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दिया जिनके नेतृत्व में हमने अहमदनगर का नाम अहिल्या माता के नाम दिया, उन महाराष्ट्र की बेटी और हमारे अपने मध्यप्रदेश की बहू और होलकर साम्राज्य की वीरांगना साशिका अहिल्या माता को नमन। उनके जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, पहली बार शस्त्र पूजन भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल